रहमान रहीम जी तलबा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंटरनेट के हवाले से जो हमारा टॉपिक है जी वर्ल्ड वाइड वेब या WWW, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या चीज़ है और क्या उसका जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर द सेम, क्या आपके ख्याल में इंटरनेट और जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या सेम चीज़ है? कई लोगों के जो है वो जहन में कन्फ्यूजन होती है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब या WWW जो है वो सेम ही चीज़ है। तो पहले हम उसको जो है वो क्लियर करेंगे कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो है क्या डिफरेंट थिंग्स हैं या वो सेम जो है वो एक ही चीज़ है। सम पीपल ऑफ्टन गेट कन्फ्यूज एंड कंसिडर द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर द सेम थिंग, कि कुछ लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है, कुछ लोग समझते हैं कि इंटरनेट जो है और जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सेम चीज़ है। ऑल्दो दे आर रिलेटेड टू द एज अदर, है तो ये एक दूसरे के रिलेटेड ही हैं, बट द बोथ आर टू डिफरेंट सिस्टम, दोनों जो है वो अलग-अलग जो है वो सिस्टम है, अलग-अलग से जो है वो चीज़ें हैं। इंटरनेट जो है वो एक अलग चीज़ है और जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक अलग चीज़ है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड जो वेब है वो इंटरनेट नहीं है, ठीक है जी। इंटरनेट का जो थोड़ी सी आपको डिफाइन यहाँ पे करता चलूँ, इंटरनेट जो है वो किससे निकला है? इंटरनेट वर्क से। इंटरनेट जो लफ्ज़ है वो किससे निकला है या किससे बना है? इंटरनेट वर्क से। इंटरनेट वर्क से क्या बना था? ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के बहुत ज़्यादा जो नेटवर्क्स हैं, जब उसको आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो जो है वो इंटरनेट जो है वो बन जाता है, ठीक है ना। जिस तरह अगर आपके जो तलकात हैं वो 2, 4, 5, 10 ममालक में हों तो आपको बोलते हैं हमारे जो तलकात हैं वो इंटरनेशनल हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है वो अगर मुख्तलिफ जो नेटवर्क्स हैं उनको हम जोड़ दें तो इंटरनेट वर्क जो है वो बन जाता है। और ये यानी कि नेटवर्क का बहुत बड़ा जो है वो मजमुआ है, या मिलियंस ऑफ जो है वो कंप्यूटर्स है वो आपस में जो है वो कनेक्ट होते हैं इसमें। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट नहीं है बल्कि क्या है? एक पार्ट ऑफ इंटरनेट है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट का पार्ट है। और ये समझ लें कि इसी तरह ही इसकी मैं जो है वो आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आम अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें कि जो अगर आपने कोई चीज़ जो है वो ख़रीदनी हो तो आप क्या जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? आप मार्केट में जाते हैं जहाँ पे जो है वो चीज़ अवेलेबल है। तो आप क्या करते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो आप क्या करते हैं रोड की मदद से जो है उस शॉपिंग मॉल पे या उस दुकान पे जो है आप पहुँचते हैं जहाँ पे आपको जो है वो प्रोडक्ट या वो जो आपने चीज़ लेनी है वहाँ पे जो है वो आप चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ये जो आप रोड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये समझे इंटरनेट है। और जो शॉपिंग मॉल या दुकान जहाँ जहाँ पर बनी है वो समझे वर्ल्ड वाइड वेब है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि इंटरनेट जो है क्या है, जो रोड है जो आपको फॉलो जिनको आप फॉलो करते हुए आप जो है उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। और आपने कुछ चीज़ें ख़रीदनी है तो आप क्या जाएंगे उस शॉप पे या शॉपिंग मॉल पे जाएंगे कि वो चीज़ जो है वो आपको उधर से मिल जाएगी। इंटरनेट को ये गलत नहीं है कि आपने उधर से क्या चीज़ लेनी है, बस इंटरनेट का मकसद ये है कि आपको उधर पहुँचाना। आगे जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका फिर काम है कि आपने जो चीज़ ख़रीदनी है उसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर सारी पड़ी होती है, ठीक है ना। तो समझ लें कि जिस तरह वेबसाइट का आप जो है वो एड्रेस जो है वो आपने किसी वेबसाइट का ओपन करना हो तो आप उसका एड्रेस पता होता है या आपको एड्रेस पता हो तो फिर आप उस जो है वो एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह जो है वो इंटरनेट के हवाले से भी अगर आपने किसी वेबसाइट का अगर आपको एड्रेस पता हो तो फिर भी वो आप वेबसाइट जो है वो ओपन कर सकते हैं और भी इस वेबसाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है आप उधर से आप जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है एग्जांपल यही दी गई है कि अगर आपने कोई चीज़ जो है वो खरीदनी है तो आप क्या करते हैं कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए उस लोकेशन या उस जो है वो स्पेसिफिक जो है वेबसाइट समझ लें वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाके अपनी जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है जनाब साहब के, समझ लें कि मेन जो चीज़ है, मेन पार्ट जो मेन चीज़ है वो हमारा इंटरनेट है और समझ लें कि उसका जो एक पार्ट है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड समझ लें इंटरनेट जो है वो बहुत वसी है और उसका एक बड़ा पार्ट समझ लें कि वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ये है जी। और समझ लें कि जिस तरह हम कंप्यूटर अगर आपने को चलाना है तो उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह जो आप समझ लें कि आपका जो इंटरनेट है वो हार्डवेयर है और आपकी जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो ज़ाहिर अगर दोनों ही वर्किंग कंडीशन में होंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से जो है वो कंप्यूटर चला सकते हैं। तो ये इसकी जो है वो एग्जांपल है। अगर इसकी थोड़ी सी हम जो है वो देख लेते हैं कि इसको जो है वो कब और किसने जो है वो इन्वेंट किया या याद किया। द वेब वॉज इन्वेंटेड बाई टिम बर्नर्स ली एट CERN इन 1989 एंड ओपन पब्लिक इन 1991।
ये जो एक जो है इंग्लिश अपना कंप्यूटर का साइंटिस्ट था, इसलिए जो है वो 1999 में इसको जो है वो इन्वेंट किया, और ये पब्लिकली इसको जो इस्तेमाल किया गया 1991 में। ठीक है जी। द वर्ल्ड वाइड वेब आल्सो नोन एज द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब को हम जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब को सिंपल हम वेब भी बोलते हैं, ट्रिपल डब्ल्यू भी बोलते हैं, और WW भी बोलते हैं। जो भी आपको जो है वो नाम इस्तेमाल करना चाहें आप जो है वो कर सकते हैं। रेफर टू ऑल पब्लिक वेबसाइट और वेब पेज दैट यूजर कैन एक्सेस ऑन द देयर लोकल कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस थ्रू द इंटरनेट, के जितनी भी जो है पब्लिकली वेबसाइट हैं या वेब पेज है उनको आपने अगर एक्सेस करना हो तो उसके लिए आपको जो है वर्ल्ड वाइड वेब की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, इसके बगैर आप जो है उन वेबसाइट को या उन वेब पेज को आप ओपन नहीं कर सकते।